जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी का सारा जज्बा निकल गया, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर। पाकिस्तान रिएक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर में तो वो फनी ही होगा ना, उसके अलावा कुछ होता ना, क्योंकि अभी एक मिसाइल का परीक्षण किया था खुद के ऊपर आगे किया वो उधर जाकर खुद के ऊपर ही गिरी। अब आवाम को भी भरोसा आ जाएगा, हमारी आर्मी जो है ना नामर्द नाकामी आर्मी है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले, चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। मैंने आपको कई सारे वीडियो दिखाए हैं पाकिस्तानियों को, जिसमें वो लोग जज्बा जज्बा करते रहते हैं। आज एक जज्बा वाले को मिल गया दूसरा पाकिस्तानी, जिसने इनका जज्बा एक मिनट के अंदर इनके अंदर से निकाल दिया और ये कहने लगे कि भारत हमसे अच्छा है, वहां पर बहुत सारी सहूलियतें हैं। वीडियो है डेली स्वैग का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चार जंगे लड़ ली हमने, चार जंगों का फायदा क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ है। किनको ज्यादा हुआ? पाकिस्तानियों को। फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। अच्छा। पाकिस्तान है जज्बा, फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर हमारा जज्बा एजुकेशन में क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा जज्बा अगर मैं बात करूं तो अपने मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वर्ल्ड बैंक का जो सीईओ वो भी इंडियन बैठा हुआ, आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन बैठा हुआ, क्यों? हमारा जज्बा लड़ाई में क्यों, जंगी करने में क्यों काम? हम लोगों को, नौजवान नस्ल को मेन चीज है कि इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। कोई ऊपर आना चाहता है ना, उसको दबा दिया जाता है। इस मुल्क का ये निज़ाम रहा है। तो सर जज्बा फिर कहाँ गया हमारा? जज्बा तो बचा ही नहीं है ना। हर किसी ने ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, इस चक्कर में लगे हुए। आगे आइएगा, एक मिनट आइएगा। लोग अगर ये चाहते हैं ना कि हम इस मुल्क के लिए कोई अच्छा करें तो हमें दबा दिया जाता है। नौजवान को मेन चीज़ है तरक्की के, उसके ऊपर मुकाफी नहीं है। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं, एग्री। जंगे कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगे? जंगे हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है, और है क्या जज्बा? तो श्रीलंका के आवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। जज्बा तो उन्होंने जज्बा है तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, हमारे भी सियासतदानी कर रहे हैं। एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेड़ी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? यार उस जज्बे को लेकर जब उसके पांच बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? ये चीजें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना, आवाम के लिए हमें भी सोचनी चाहिए। हम सियासतदान वो चुनते ही क्यों हैं? तो ये गलतियां हमारी है ना, तो फिर ये हम लोग एक यही माने जंगों की जो तो भाई उनके पास है, वो देखो कितने डेवलपमेंट कर गए। हम यहाँ पर सिर्फ जज्बे का नाम है हमारे पास, जज्बा जज्बा भाई, बड़ा जज्बा। जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता जब इंडिया की बात आती है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो उनके पास है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, अब गूगल का सीईओ, हर एक ट्विटर का सीईओ वो बैठे हुए हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे। जज्बा जो जज्बा हम भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हमें है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, ये जेहन में डाला गया कि आप में जज्बा है, और कोई बात नहीं। कहेंगे आप? नहीं भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। अगर हमारी उनके साथ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई किसी भी चीज में मुकाबला हो जाए, कोई एक चीज बता दी जिनसे हम उनसे ज्यादा बड़े और जीत सकते हो? सारी बातों की बात, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह उनसे, टेंशन नहीं है। किस बात से? हर चीज से जीत जाएंगे, वो मुकाबला कर लें किसी भी टॉपिक पे आके हमसे। हाँ बातों से नहीं, पाकिस्तानी हर चीज में आगे उनसे, कबड्डी में बता दें, क्रिकेट में बता दें, तो या जंग में बता दें, कोई एक बताए। खेल के अंदर हमारे सियासतदान आगे पहुंच जाते हैं, किधर क्रिकेट बेच करवाना हो ठगा करके सियासतदान आगे पहुंच जाता है। भाई बात करें ना, हमारे क्रिकेटर बोले ना भाई हमसे, हमारे साथ ये मसला हो रहा है, तो उनका गुनाह है, हमारा तो नहीं ना। हमारे जज्बा हम लोगों को नजर आ रही है ना। मेरी बात सुने, हमें तो क्रिकेट के मैदान में भी जज्बे के साथ बैठाया जाता है ना, तो हम अपने टीवी तोड़ रहे हैं बेफालतू में, कुछ भी नहीं है। ये तो नहीं ना, ये ऐसी बात नहीं। एक मिनट मेरी बात सुने, अक्सर 1999 की बात है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलते हैं कि हराया गया था, बाद में इनकशाफात हो रहे हैं कि जी भाई हराया गया था या फलाने करप्शन की फलाने, पहले वो क्यों नहीं बोला, वो क्रिकेटर पहले क्यों नहीं बोला? बाद में इनकशाफात सारे कर रहे हैं, वो जुलकरनैन है, वो क्रिकेटर है ना, वो बाद में बोल रहा है कि यार ऐसा हो गया, अभी वो बीमार है तो वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसे, पहले क्यों नहीं बोला? जब मौत नजर आ गई तो उसने बोल दिया, अब तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है मौत। जंगों की बात की, हम जीत सकते हैं, कौन सी जंग लड़ी चार जंगों में से हमने, कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम। नहीं
अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे, जीत गए थे, कोई नहीं भाई मेरी बात सुन, एक छोटी सी मुझे बात बता दें, जंगे जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना या हमने उनसे छीना? इंडिया ने छीना हम लोगों को, हम जंग जीते, हम किधर जीते, कौन सी जंग, कोई जंग नहीं जीते, 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है, अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है, जज्बा तो आया ना, जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके बाप फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम, टेंशन नहीं है, नहीं टेंशन नहीं है, इन कैसे करेंगे, पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद तो बोलना है, मना कर रहा है। तो हमारी है, हम ही फौज है, अवाम ही फौज है, ये फौज के बदौलत मुल्क चल रहा है इस टाइम पे। आपको पता अभी तक हम बेवकूफ बनते रहे इन ऐसे सोच की वजह से, जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे, पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे आप हमें वोट दो, कश्मीर के नाम पर वोट ले लेते हैं हमें, वही हमारा सलगर चलता आ रहा है, हमारे हालात वही चलते आ रहे हैं, जब तक हम ये नहीं बात निकालेंगे दिल से कि भाई वहां पर भी वो भी भाई हैं, हमें जंगे नहीं लड़नी, हमें एजुकेशन में आगे जाना। कश्मीर की आप बात कर देना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ, वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ, हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं, हम हमें उनको छोड़ देना, तो यही मसला कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है, कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा, अपने हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए, कश्मीर को छोड़ो, तरक्की की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम दिन ब दिन नीचे जाए जाएंगे, हम जाएंगे ऐसे, पता क्या पता है, जो मेरा टॉपिक था बेसिक पर्पस मेरा जो बात करने का था, आज वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के मुताबिक बताया कि पाकिस्तान एक गरीब तरीन मुल्क में उन्होंने शामिल कर दिया कि वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर लिया, तो वहां पर इंडियंस की तरफ से न्यूज आ रही थी, इंडियंस कह रहे थे कि भाई जहां से तुम भीख मांग रहे हो, जहां से तुम पैसे ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी हमारा है, वो कहते हैं गूगल के सीईओ, दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो कि जज्बा बड़ा, कहां है तुम्हारा जज्बा, सामने लेके आओ, ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रियलिटी इसमें बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल पीछे हैं, और हमारा जो मेन है हम बिल्कुल मोरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है, और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है ना, जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो कर दो, हम कुछ भी, और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं, आज उनकी आईटी देखें, बिल्कुल इसलिए कोई भी चीज़ दे बिल्कुल, ये 300 यूनिट फ्री कर दी है हर घर में, हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है, बिल्कुल सही होगा, बहुत शुक्रिया यार गाइस। सर जितनी को तरक्की, जितने को डेवलपमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, जितने को आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर आप बॉलीवुड में देखेंगे 5 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है जो टॉप लेवल के हीरोज़ हैं, उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे, मुसलमान था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया हिंदुस्तान, हाँ उन्होंने, तो हमने आज तक कौन से हिंदू को प्रेसिडेंट बनाया, कौन से हिंदू को प्राइम मिनिस्टर, कैसी बातें कर रहे हैं, उसने इंडिया को एटमी ताकत बनाया, ये आपने क्या बात कर दी, उसने इंडिया को पावर दी, तो रिस्पेक्ट दी ना उन्होंने, हाँ रिस्पेक्ट, हमने क्या किया, जिसने हमें यह किया, अमेरिका के कहने पर डॉक्टर कदीर को ज़हनी तौर पर पजल किया, अगर आवाम ना बोलते तो अमेरिका के हवाले हो जाता, हमने ये किया, तो फिर हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि उनमें राइट्स नहीं मिल रहे मुसलमानों को, यहाँ पर ज्यादा मिल रहे कि वो नहीं बेटा, यहाँ पर हमारा तकाजा इन हमारी सियासी पार्टियों पर असरअंदाज होता है, वहाँ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। कारगिल में क्या हुआ, उनके फौजी कारगिल में क्या हुआ, ये वजीर आजम शाह नवाज शरीफ था बेटा, एक मिनट नहीं, वो नहल था, उसे कानूनी तौर पर अदारों का नहीं पता था, उसने अमेरिका के कहने पर साइन कर दिया, हमारी जितनी बिखरी हुई थी काबज फौज उन्हें सारों को शहीद करवा दिया। देखिए किसी पाकिस्तानी से जब बात की जाती है तो वो सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और पाकिस्तान में पता नहीं है किसी से भी बात की जाती है तो वो कुछ बात का कुछ बोलते ना वो वजन नहीं होता, बातों में आपके जो वजन होना चाहिए ना वो होता नहीं है पाकिस्तान में। अब थोड़े बहुत वीडियो जो हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी धीरे धीरे आवाम जो है वो समझ रही है, तो हो रही है। हाँ वो जागरूक हो रही है थोड़ा मेरे को लग रहा है, बाकी तो किसी को भी पूछूंगे भाई हमारे पास जज्बा है, मतलब झूठ मूठ का जज्बा, झूठ मूठ, लेकिन वो ब्लू टी शर्ट वाले भाई थे उसने सही बोला कि जज्बा कहाँ है। अरे जज्बा चलो जज्बा होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, उसको आप बुरी वे में गलत वे में मत लेना, लेकिन वो भी क्लियर करना चाहिए ना कि किस चीज का जज्बा है,
जैसे मेरे पास पावर है तो मेरे पास पावर होगा, बट वो किसी चीज का पावर होगा ना, ऐसे तो ये वो भाई बोल रहे थे ना, हम सब में जीत जाएंगे इंडिया से, तो हमारे पास जज्बा है झूठ का, जो उसको पता है कि वो नहीं जीत सकते, जीत सकते हमसे किसी भी चीज में, फिर भी वो बोल रहे थे कि हमारे पास जज्बा है, हम सब में जीत जाएंगे, मतलब रियलिटी वो मतलब एक्सेप्ट हाँ, नहीं करना चाहते। ये इन मतलब ये क्या बात हो रही है पता है, इन लोगों न्यूज मीडिया से दूर है, वही ये लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो मीडिया बता रही है वो दुनिया की मीडिया से दूर है, दुनिया के नॉलेज की से दूर है। वो पाकिस्तान के हालात है, वो मैंने एक वीडियो में बताया था, वो कुएं के मेंढक की तरह, जब कुएं में जो मेंढक रहता है ना, तो उसको जो कुआ है ना उतनी ही दुनिया उसको लगती है, पर अब कुएं में पानी बहुत ऊपर आ चुका है, वो है उन लोगों ने जो भीख मांगी है ना, उस भीख के ऊपर जो ब्याज लगता है, उस ब्याज का पानी अब ऊपर आ चुका है, तो कई कोई कोई मेंढक जो है वो कुएं के थोड़े बहुत ऊपर आ गए, तो अब उसको वहीं थोड़ी थोड़ी दुनिया दिख रही है, वो वैसी वाली हालत हुई है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली मेरे को अब तो थोड़े बहुत समझ में आ रहा, देखो अब वो भी कह रहे कि जंग लड़ना अच्छी बात नहीं, इन लोगों को झूठ बताया गया है कि भारत के साथ जो चार जंगे हुई है वो पाकिस्तान जीता है, कितना झूठ। पर वो भी नहीं बता रहे कि 93,000 सैनिकों ने जो सरेंडर किया था, वो तो बताओ आपकी आवाम को, भारत के सामने आपने लोगों ने सरेंडर किया था। बात कर रहे कारगिल वाले युद्ध की, तो कारगिल वाले युद्ध में देखो पहली बात कि आप जीते तो नहीं थे, दूसरी बात कि आप लोगों ने गद्दारी की थी, क्योंकि जो आपकी फितरत है पीछे से वार करना आपकी फितरत है, उसमें टीटी साइन हुआ था, टीटी नहीं समझ सके लेकिन एक एमओयू कह सकते हैं, ऐसा साइन हुआ था कि जब भी सर्दी के मौसम होते हैं, मतलब ठंड के मौसम होते हैं, तब हम दोनों तरफ से हमारी जो आर्मी जो फौज ऊपर रहती है पहाड़ियों पे, उसको हम नीचे ले आएंगे ताकि ठंड से प्रॉब्लम ना आए किसी को, ठीक है। दोनों की तरफ से बातचीत हुई, कंफर्म हुआ, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हो गया, फिर क्या हुआ, जैसे भारत आ गया नीचे इन पहाड़ियों से, तो इन जाहिलों वहां से नीचे आए ही नहीं थे, वो वहीं रहे, और फिर उन लोगों ने अटैक स्टार्ट कर दिया, और जहां पे भारत की जो इंडिया की ओर से जो वो बंकर बनाए जाते हैं उस बंकर में घुस गए थे। फिर भारत को वहां से किसी एक कोई नागरिक था, उन्होंने बताया कि वहां पे तो फौज है पाकिस्तान की, ये हमारा बंकर है। फिर यहाँ पे न्यूज आई, मतलब ग्राउंड लेवल पे, फिर वहां पे हमारे आर्मी के इन लोगों को खदेड़ के रखा था, उसमें हमारे विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, ये पूरी स्टोरी जो कारगिल हम देखते हैं मूवी जो उसके रिलेटेड आया था, फिर भी पाकिस्तानियों को मतलब ये सब कुछ झूठ बताया गया, पूरी हिस्ट्री झूठ बता दी। ये पीओके भी उनसे संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान नहीं संभल रहा है, अब पूरा पाकिस्तान ही नहीं संभाल पा रहे, अब पूरा पाकिस्तान तो कैटेगर सरकार चला रही है, और अभी वर्ल्ड बैंक ने जाहिर कर दिया है गरीब देश। देखो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है उसमें कोई दो बातें नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाए, ताकि मतलब ये अभी खाने के भी लाले पड़ रहे वो ना पड़े, मतलब सर्वाइव कर जाए। तो भारत में भी हमारे देश में भी हम पाकिस्तान को मतलब इतना दुश्मन नहीं मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप लोग सुधर जाओ, आवाम सुधर जाओ और सब लोग सुख शांति से रहो और प्रगति करो, सब लोग यही चाहते हैं, सब लोग शांति चाहते हैं इंडिया में भी। ये लेकिन ये लोग टेररिस्ट वाली एक्टिविटी करते हैं, इससे हमें बहुत दुश्मन मानते हैं इसी चीज में, और कुछ नहीं है। दुश्मन तो मतलब दुश्मन इसीलिए मान रहे कि ये लोग जाहिल है, उसको दिमाग में जाहिल वाली चीजें भरी हुई है, ठीक है, और खास करके हर बार अंतकी को भेजना, इनका सपोर्ट लेना, उसकी बाज नहीं आ रही। ये यही देखो कोई देश नहीं चाहता, कभी भी कोई देश नहीं चाहता कि वो युद्ध करे, क्योंकि युद्ध में हमेशा बर्बादी ही होती है, भले वो देश युद्ध में जीत जाए तो उसकी भी बर्बादी होती है, कोई भी देश का कितना भी बड़ा देश हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है रशिया यूक्रेन का युद्ध, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, फिर भी हम इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, रशिया इतना ताकतवर कंट्री है, सामने यूक्रेन छोटा सा कंट्री है, लेकिन हालांकि रशिया भारी है यूक्रेन के सामने, फिर भी दोनों देश को नुकसान हुआ है। आपने लिटरली देखा होगा कि वो मतलब रशिया के साथ कई सारे देशों ने रिलेशन खत्म कर दिए, ट्रेड खत्म कर दिया, ये सब कुछ होता है। रशिया इकोनॉमिकली अब टूट रहा है, उसके पास हथियार है, सब कुछ है, फिर भी वो इकोनॉमिकली टूट रहा है, तो ये सभी देश को नुकसान। जैसे कि भारत आपसे बड़ा देश है, जीतेगा भारत ही जीतेगा, दोनों के पास एटॉमिक पावर है, वो मना ही नहीं है, लेकिन दोनों देश को नुकसान एक समान ही हो सकता है।
हालांकि भारत बड़ा है इकोनॉमिकली, तो आपकी कंपैरिजन में भारत को कम होगा नुकसान, लेकिन नुकसान दोनों देश को होगा। तो ये युद्ध वाली बातें करना छोड़ दो, युद्ध से कोई हल नहीं होता है। और बच्चों के ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, मजा करो, जलसा करो, कौन आपको वहां पे उंगली करने आएगा, ठीक है ना। और इसमें अब्दुल कलाम जी की भी बात है भाई, वो तो हमारे आइडल है, हम उसको उसको हम उसमें रिलीजन नहीं घुसेड़ते। अब्दुल कलाम हमारे साइंटिस्ट थे और हम हमारे देश को बहुत ही बड़ी सौगात दी है, ठीक है, ताकि हमारे जो बच्चे आने वाली और कितनी भी पीढ़ी जो है ना वो शांति से देश में रह सके। हम मतलब बहुत भाग्यशाली है, बहुत ही खुश है कि हम अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश में हम पैदा हुए और इस देश के हम नागरिक हैं, ठीक है। हम इसलिए हम गर्व करते हैं हमारे देश के ऊपर। आपके देश में पैदा कौन कौन हुए? हाफिज सईद, आतंकियों का अंत, ऐसे ऐसे तो आपके देश में पैदा हुए जो आप लोगों का जीना हराम कर दिया। तो यही है भाई, सबसे बड़ा आप पाकिस्तानी हो, वही आपकी गलती है। इस वीडियो को दोस्तों फिलहाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।